हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने अपना लेसन वन स्टार्ट किया था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसमें हमने कुछ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था और फिर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे थे। और उसमें फर्स्ट टाइप जो था वो था ऑटोट्रॉप्स, यानी स्वपोषी, जिसमें कि जितने भी प्लांट्स हैं वो आते हैं और वे सभी जो है अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं। और जिस प्रोसेस से वो अपना फूड बनाते हैं वो होता है फोटोसिंथेसिस। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जो सेकंड टाइप है न्यूट्रिशन का, वो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इस न्यूट्रिशन में जितने भी एनिमल्स है और उसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वे सभी इसमें आते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। ऑल लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स दैट हैव नॉन ग्रीन लीव्स कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, दे डिपेंड अपॉन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड बट डिपेंड अपॉन नेचुरल और अदर सोर्सेज आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स, एंड द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जितने भी लिविंग बींग्स है जिसमें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी सूक्ष्म जीव, और ऐसे प्लांट्स यानी ऐसे पौधे जिनकी हरी पत्तियां नहीं होती है और जो अपना भोजन जो है वो खुद नहीं बना पाते, तो वे जो है दूसरे पौधों पर डायरेक्टली या इनडायरेक्ट रूप से निर्भर रहते हैं। वे ऑर्गेनिज्म या जीव जो कि अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं बल्कि वो दूसरों पर नेचुरल या दूसरे सोर्सेज पर निर्भर रहते हैं, उनको हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। और यह जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन का, इसको बोला जाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फिर है ऑल द हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स। अब जितने भी विषमपोषी जीव है उनको तीन समूह में बांटा गया है। फर्स्ट जो ग्रुप है वो है हर्बीवोर्स का, यानी जो शाकाहारी होते हैं। एनिमल्स विच डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। एग्जांपल्स काउ, हॉर्स, गोट एट्सेट्रा। वे एनिमल्स जो कि अपने न्यूट्रिशन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं उनको हर्बीवोर्स या शाकाहारी जानवर कहते हैं। जैसे कि गाय है, घोड़ा है, बकरी है आदि। उसके बाद सेकंड ग्रुप है कार्निवोर्स का, यानी मांसाहारी। एनिमल्स विच ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। एग्जाम्पल्स लॉयन, टाइगर एट्सेट्रा। वे जानवर जो कि दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं उनको मांसाहारी जानवर कहा जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल है शेर है, चीता है आदि, ये सभी। फिर थर्ड जो ग्रुप है वो है ओमनीवोरस का। ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी जानवर, ऐसे जानवर जो कि मांस भी खाते हैं और शाकाहारी भी होते हैं। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। एग्जाम्पल मैन, डॉग, बियर, हैन एट्सेट्रा। ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स और दूसरे जानवरों का जो मांस है वो दोनों खाते हैं
तो वे होते हैं ओमनीवोरस यानी सर्वाहारी जी जानवर। जैसे एग्जांपल में मैन है यानी जो मनुष्य है, डॉग है, बियर है, हैन है, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद है टॉपिक टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी विषम पोषी पोषण की कौन कौन से टाइप होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को निम्नलिखित समूहों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है पैरासाइटिक, सेकंड है सेप्रोफाइटिक, थर्ड है होलोजोइक और फोर है इंसेक्टिवोरस। फर्स्ट है इसमें पैरासाइटिक। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच अ पैरासाइट ऑब्टेन्स फूड इज कॉल्ड होस्ट। अ पैरासाइट मे बी अ प्लांट पैरासाइट और एन एनिमल पैरासाइट। इस न्यूट्रिशन के इस मोड में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म से फूड प्राप्त किया जाता है उसको बोलते हैं होस्ट। ठीक है, जिससे फूड प्राप्त करते हैं वो उसको बोला जाता है होस्ट। एक पैरासाइट जो है वो प्लांट पैरासाइट हो सकता है या फिर एनिमल पैरासाइट भी हो सकता है। डोडर अमरबेल इज अ प्लांट पैरासाइट। इट टेक्स फूड फ्रॉम अनदर प्लांट यूजिंग रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। राउंड वर्म इज एन एनिमल पैरासाइट विच इज फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। इट ईट्स डाइजेस्टेड फूड एंड हार्म्स द होस्ट। इसका एग्जाम्पल जो है वो दिया हुआ है डोडर यानी जो अमरबेल का जो प्लांट होता है वो प्लांट पैरासाइट का एक एग्जाम्पल है। यह अपना जो फूड है वो दूसरे प्लांट से प्राप्त करता है और अपनी जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जड़ों की जो जड़ों जैसे जो संरचना है, उसकी मदद से वो दूसरे पौधों से अपना फूड जो है वो प्राप्त करता है। उसी तरह जो एनिमल पैरासाइटिक है उसका एग्जांपल है राउंड वर्म। राउंड वर्म जो है वो इंसानों की जो इंटेस्टाइन होती है, जो शरीर में जो आंत जो होती है उसके अंदर पाया जाता है। और यह राउंड वर्म जो है वो जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको वो खाता है और होस्ट को नुकसान पहुंचाता है। होस्ट का मतलब जो इंसान है उसको वो नुकसान पहुंचाता है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। सम पैरासाइट प्रोवाइड बेनिफिट्स टू द होस्ट। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बियोसिस। फॉर एग्जाम्पल लाइकेन, एल्गी, ऑटोट्रॉफ एंड फंगस लिव टुगेदर। एल्गी सप्लाई फूड टू फंगस एंड फंगस सप्लाई वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गी। जो पैरासाइट्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ पैरासाइट जो है वो अपने होस्ट के लिए बेनिफिट्स होते हैं यानी लाभदायक होते हैं और उनका जो रिलेशनशिप है वो उसको बोला जाता है सिम्बियोसिस। जैसे एग्जांपल के लिए जो लाइकेन है, लाइकेन जो है वो एल्गी और जो फंगस है उन आपस में उनके मिलने से बनता है। एल्गी जो है वो क्या करता है, फंगस को फूड सप्लाई करता है और फंगस जो है वो एल्गी को वाटर और जो मिनरल्स है वो उपलब्ध करवाता है। तो इस तरह उनका जो रिलेशनशिप है वो एक दूसरे के लिए लाभदायक है और इसी को बोला जाता है सिम्बियोसिस।
पैरासाइटिक प्लांट्स लाइक मिसल टो एंड डोडर ग्रो ऑन ट्रीज. दीज पैरासाइट्स हैव ग्रीन लीव्स एंड कैन सिंथेसाइज देयर फूड बट दे टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट. दीज टाइप्स ऑफ पैरासाइट आर कॉल्ड पार्शल पैरासाइट्स. कुछ जो पैरासाइटिक प्लांट्स है जैसे कि मिसल टो और जो डोडर है यानी अमरबेल जो है वो दूसरे पेड़ों पर उगते हैं. ये इन पैरासाइट्स की अपनी ग्रीन लीव्स होती है और ये अपना फूड भी बनाते हैं, लेकिन ये वाटर और मिनरल्स के लिए अपना जो होस्ट प्लांट है उसके ऊपर वो डिपेंड रहते हैं. यानी अपना जो भी फूड बनाने के लिए वाटर और मिनरल्स की ज़रूरत होती है वो अपने होस्ट प्लांट से प्राप्त करते हैं. इस तरह के पैरासाइट को कहा जाता है पार्शियल पैरासाइट्स. ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं. थैंक यू.